गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड यूकेजी सब्जेक्ट हमारा रहेगा इंग्लिश। बेटा आपने पिछली वीडियो में अल्फ़ाबेट्स किए थे, कौन क्या किया था? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कौन से थे? स्मॉल और कैपिटल। कौन से थे? स्मॉल और कैपिटल। कौन सी राइटिंग में? इन कर्सिव। कौन सी राइटिंग में बेटा? इन कर्सिव। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की जो फोनिक साउंड होती है वो आपको बताएंगे। ओके, तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और आप साथ में अपनी पेंसिल और नोटबुक साथ रखिएगा। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखिए बेटा, अल्फ़ाबेट्स तो आपको पता ही है कौन से होते हैं। अब हमें बताना है फोनिक के बारे में। फोनिक इज ए मेथड टू टीच हाउ टू रीड। क्या बोला मैंने? फोनिक इज ए मेथड टू टीच हाउ टू रीड, कि फोनिक साउंड को कैसे हम सीखते हैं, भाई हमें कैसे बोलना है, बोलना हमें सीखना है। ओके, अब सबसे पहले हमारे आ जाती है ए। क्या आ जाती है? देखो मैंने साथ साथ कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों लिखी है, लिखिए ना। अब हमें इनकी फोनिक बतानी है, इनकी साउंड किन से क्या साउंड बनती है। ए से हमारा बनता है बेटा अ। क्या बनता है ये? अ। समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट हमारा लेटर रहेगा लेटर बी। बी में भी ऐसे स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल और कैपिटल। देखो इसमें बी से क्या बनता है? ब। क्या बनता है हमारा? ब। आगे आ जाता है हमारा लेटर सी। क्या आएगा बेटा? लेटर सी। सी भी इसी तरह कैपिटल और स्मॉल लेटर में। सी से क्या बनेगा हमारा? क। क्या बनेगा? क। नेक्स्ट रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा बेटा? डी। अब डी की साउंड देखो क्या होती है। आप बोलते हो ना डी फॉर डॉग, तो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? ड से। कहाँ से स्टार्ट होता है? ड से। समझ आ रही है? नेक्स्ट रहेगा हमारा डी फोर के बाद ई फोर एलिफेंट। अब हमें ई फोर एलिफेंट नहीं बोलना, इसको ई बोलना है, साउंड ई। अब इसमें भी ऐसे कैपिटल और उसके बाद स्मॉल लेटर। ई का क्या बन जाता है हमारा, बोलो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। ई के बाद आता है हमारा लेटर एफ। क्या आएगा? एफ। एफ से क्या बनेगा? क्या साउंड निकलेगी एफ से? फ। क्या निकलेगी? फ। नेक्स्ट रहेगा हमारा जी। क्या रहेगा? जी। जी में भी सेम वही कैपिटल और स्मॉल लेटर। जी से क्या बनता है हमारा? ग। क्या बनता है? ग। आप तो बोलोगे मैम ये तो स्वर और व्यंजन हो गए, तो सेम इसी तरह बेटा इंग्लिश में भी स्वर होते हैं, बट उनको क्या बोलते हैं? वोवल्स। क्या बोलते हैं? वोवल्स। और जो हमारे बाकी वोवल्स के बाद जो बच जाते हैं वोवल्स हमारे होते हैं फाइव। कौन से होते हैं? फाइव। फाइव में कहोगे मैम कौन कौन से होते हैं, हमें इन्हीं अल्फ़ाबेट के अंदर से ही निकालने हैं वो फाइव। क्या किया था हमने? हिंदी में तो जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्वर होते हैं ए आ ई उ और व्यंजन होते हैं क ख ग घ। बट इसमें क्या है, इंग्लिश में हमें इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के अंदर से हमें वो निकालने हैं वोवल्स। क्या निकालने हैं? वोवल्स। वोवल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कौन से वोवल्स होते हैं और कौन से नेट होते हैं। आज आप ओनली फोनिक साउंड के बारे में ही समझोगे। नेक्स्ट है हमारा जी की बाद आएगा बेटा एच। क्या आ जाएगा हमारा? एच। एच ऐसे स्मॉल और कैपिटल में एच से बनता है हमारा ह। क्या बनता है? ह। एच के बाद आएगा हमारा आई। क्या आएगा? आई। आई भी इसी तरह स्मॉल और कैपिटल। आई से हमारा बनता है ई। क्या बनता है? ई। जब आप बोलते हो ना
ई फॉर इंकपोट, तो आवाज़ किसकी आती है हमारी, ई की। लिखते तो हम आई है बट आवाज़ किसकी होती है, ई की। आई के बाद आएगा हमारा जे फॉर जग। क्या आ जाएगा, जे फॉर जग। जे में देखो ज, क्या बनता है जे से हमारा, ज। जे के बाद आता है हमारा के। क्या आएगा बेटा, के। दिखाई दे रहा है आप सभी को यहाँ से के भी इसी तरह जैसे हमने कैपिटल स्मॉल लेटर में लिखा है, के से बनता है हमारा क। क्या बनता है, क। अब उसके बाद आ जाता है हमारा एल। क्या आ जाता है, एल। एल से देखो क्या बनेगा, एल में भी इसी तरह एल से हमारा आ जाएगा बेटा ल। क्या आ जाएगा, ल। एल के बाद लेटर हमारा एम। कौन सा लेटर आएगा, एम। एम में भी इसी तरह स्मॉल और कैपिटल, और एम से हमारा बनेगा म। क्या बनेगा, म। एम के बाद एन। क्या आ जाएगा, एन। एन में भी सेम उसी तरह से, और एन से बनेगा हमारा न। क्या बनेगा बेटा, न। और न के बाद आ जाता है हमारा ओ। क्या आएगा, ओ। ओ में भी सेम वही इसी तरह से, ओ से बनता है हमारा ओ। लेकिन बोलते ओ हैं, इसको लिखते ऐसे हैं। कैसे लिखोगे, ऐसे। क्या बन गया ये हमारा, ओ। ओ के बाद आएगा हमारा लेटर पी। क्या आ जाएगा, पी। पी भी ऐसे सेम कैपिटल और स्मॉल लेटर, पी से बनता है हमारा प। क्या बनेगा, प। उसके बाद आएगा हमारा क्यू। क्यू पे ध्यान दीजिएगा आप, क्यू में ध्यान देने की बातें हैं, देखना ध्यान से। क्यू को हम कैसे लिखते हैं ये देखिएगा, और क्यू से क्या बनता है हमारा कव। क्या बनेगा, देखो आधा हमने क्या बनाया और लास्ट में क्या बना हमारा, व। कव देखो, क्यू फॉर क्या होता है, क्वीन। क्वीन में क्या होता है, क व इन। तो क और व की आवाज आई या नहीं ये देखो, आधा क व ई न, क्या बन गया, कविन। तो ये हमारा जो क्यू होता है, क्यू से क और व ये दोनों लेटर बनते हैं। समझ आ रही है आपको, क्यू के बाद आएगा हमारा लेटर आर। क्या आएगा, आर। आर भी सेम इसी तरह से, आर से हमारा बनता है र। क्या बनेगा, र। आर के बाद आएगा हमारा एस। क्या आ जाएगा, एस। एस से क्या बनेगा, स। क्या बनेगा, स। एस के बाद आएगा हमारा लेटर टी। क्या आ जाएगा, लेटर टी। टी से बनता है हमारा ट। क्या बनेगा, ट। लेटर टी के बाद आएगा हमारा लेटर यू। क्या आ जाएगा, लेटर यू। अब यू से बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा, य। क्या बनेगा हमारा लेटर, य। तो आज की वीडियो में बेटा आपको या तक ही करना है, और आप बार बार वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखते समय आपके हाथ में अपनी पेंसिल और नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही आप वीडियो को देखोगे अपने नोटबुक पर नोट करोगे और फिर उसको बार बार लर्न करोगे, देखोगे कि हमारा लेटर ए से क्या बनता है, बी से क्या बनता है। तो जब तक आप अपनी नोटबुक पर बोलकर नहीं लिखोगे बेटा, आपको ये याद नहीं होगा, क्योंकि वीडियो तो आप बार बार नहीं देख सकते ना। जब भी आपको कोई भी लेटर देखना है तो आप वीडियो को तो नहीं देखोगे, क्योंकि मोबाइल तो आपके मम्मी पापा के पास होता है। तो आप अपनी फिर नोटबुक में नोट कीजिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस। अब इस